पहले पापा तुम डालोगे जल्दी किसको दी पहले जल्दी किसको दी बहुत आ गई कोई गीत बजने दो गाओ रे झूम झूम के नाचो रे झूम झूम के कोई पग पे कांटा चुभे चुभता है तो चुभने दो नाचो सो व्हाट्सअप गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे खुश होंगे खुशहाल होंगे सेफ होंगे सो गाइस आज है बहुत ही प्यारा दिन आज मेरे फादर हो रहे हैं रिटायर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से इंडियन रेलवे में थे वो आज हम उनको रिसीव करने जा रहे हैं उनके ऑफिस तो आप पूरा व्लॉग देखते रहिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी प्यारा है बड़ी खुशी की बात है ये दिन सबके और ये बड़े अच्छे लोग आके आए जी जी तो बड़े खुशी हैं मैं और रतन लाल 1995 से एक साथ 1995 में जब मैं दिल्ली पहुंच गया तो रतन मुझे पहले मिले तब से अब तक का एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊं बहुत लंबा है कुछ बता नहीं सकता लाजवाब मेरी दुआएं हैं इनके साथ वैसे तो मेरे से बड़े हैं लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ आपके परिवार के साथ जब भी मेरी कभी जरूरत हो मुझे याद स्टेज पर उपस्थित हमारे सुपरवाइज़र घर परिवार के आए सब सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि रतनलाल जी बिल्कुल स्वस्थ रहें ऐसे जैसे आए हंसते खेलते रहें हमारे सीनियर रावता जी सीपे साहब और हमारे प्रिय मित्र रतनलाल जी आज इनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए और मैं इनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि स्वस्थ रहे हमेशा और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें नमस्कार मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं दो शब्द हमारे मामा जी रतनलाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी छत्र छाया में जब मैं छोटा था 5 साल से जब से पला बड़ा हूँ और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में और एक समाज सेवा के रूप में इन्होंने मुझे पाला रेल के लिए इतने उतावले थे कि जब रेल में कच्ची भर्ती हो रही थी 1988 में जब बाढ़ आई थी 1978 में तब भी ये प्रयासरत थे और वहाँ पर गैंग में काम करा और बारी लगने के बाद भी सिर में बारी लग गई सहारनपुर ट्रांसफ़र कर दिया कच्ची गैंग में परंतु इनकी लगनता और मेहनत का प्रतिफल मिला कि इनको रेल में की सेवा करने का मौका मिला क्योंकि रेल को ये अपनी जान से ज़्यादा प्यारे चाहते थे और उसके लिए प्रयासरत रहे आखिर में 1981 या 1982 में पूरा याद नहीं है 84 में इनको जो है मौका मिला और तब से आज तक बगैर किसी स्वार्थ के पर्सनल स्वार्थ के जैसे कहते हैं ना पर्सनल स्वार्थ टाइम से ड्यूटी जाना और टाइम से जो है अपना घर का आना दो ही चीज़ सीखी इन्होंने कि टाइम पे ड्यूटी जाना और टाइम से ड्यूटी से घर वापस आना और पूरे परिवार को साथ में लेके चले और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि भगवान ने ये दिन दिखाया क्योंकि रेल के कर्मचारी का सौभाग्य मानता हूँ कि वो जो है आप लोगों के सहयोग से जो है राजी खुशी अपने घर के लिए जाए इन दो शब्द पदाधिकारी और समस्त रेलवे स्टाफ रिलेटेड टू माई ब्रदर रतन लाल मैं इनका एक यंगर ब्रदर हूँ और हम दोनों की पढ़ाई बिल्कुल इक्विवेलेंट साथ साथ चली है 78 में मैंने भी हाई स्कूल करा 78 में इन्होंने भी करा पर उन्होंने अपने प्रयास नौकरी के ही करे और इनकी मेहनत लगन इतनी रही है कि इन्होंने रेलवे को प्रीफ्रेंस देते हुए अपॉर्चुनिटियाँ बतेरी मिली इसको कि भाई वहाँ सर्व करने के लिए पर ये लाइक रेलवे की सर्विस ही करते हुए
खैर जैसे तैसे भी जो भी इनको मौका मिला उसके हिसाब से इन्होंने अपनी सर्विस पूरी करी और आज अपने रिटायरमेंट के मौके पर मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी अथक प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। ये सिर्फ एक आपका प्यार मोहब्बत ही तो है जो आपने इनको यहाँ पर एक एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये एक आदमी का प्यार होता है, एक यूनिटी होती है और एक कर्मचारियों के साथ में व्यवहार भी होता है। तो मैं हमारे जितने भी रिलेटिव यहाँ आए हुए हैं और अपनी तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और ये जितना भी प्रोग्राम है उसके लिए आपका धन्यवाद। इनके प्रयास से मैंने यहाँ काम सीखा, उन्होंने मुझे काम सिखाया, कोई गलती भी हो जाती थी बड़े प्यार से समझाते थे, ऐसे नहीं ऐसे, बहुत कोऑपरेशन करा, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बस इतनी बात। सो गाइस, हमने अपने पापा को अच्छे से रिटायर करवा लिया है पूरी शोरगुल के साथ। अब हम इनको घर ले जा रहे हैं। हम भी हैं जोश में। बिल्कुल सो हमने पापा जी को करा लिया है अच्छे से रिटायरमेंट उनके ऑफिस से। अब हम जा रहे हैं घर पे।
ये है पुरानी दिल्ली स्टेशन। तो मम्मी, आज पापा को आपने पुरानी दिल्ली स्टेशन से रिटायर करवा लिया है हमेशा के लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का दिन है। ऐसा दिन भगवान सबके उसमें आए, बहुत किस्मत वालों को ऐसा दिन होता है कि वो अच्छे से हष्ट पुष्ट रिटायर होते हैं, तो आज अच्छी बात है। भगवान की कृपा है, ऊपर वाली की दया है, सब ऐसे ही हो सबके साथ। ये डालेगा Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo.